हम इतिहास रटने नहीं रचने आए हैं। तो जब मैं छोटा था एक्चुअली मैं इतना स्मार्ट नहीं था, मैं आपको फ्रीली बता देता हूँ, इंट्रोवर्ट था, स्मार्ट नहीं था, बोलता नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत छोटा था मैं, ठीक है। बट क्यूटनेस था, स्कूल में जब मैं जाया करता था, मैं जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश, उसमें सेवन्थ स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट मैं फेल होते होते बचा। मुझे पता था मैं कुछ पढ़ के नहीं गया हूँ, कॉपी में खाली छोड़ के आया था, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे बापू से मेरे को पढ़ेंगे झूठे। सो मैं अपने टीचर के पास गया, जो मेरे इंग्लिश के टीचर था, राजेश काजला जी, आज मैं नाम ले सकता हूँ उनका, वो मुझे बहुत एडमायर करते थे। तो उनके पास गया, मैंने कहा सर, छोटा सा था मैं, गुरु जी प्लीज आप मुझे बचा लो, मेरे पापा मारेंगे, तो आप मुझे ना थोड़े बहुत नंबर देके पास कर दो अंग्रेजी में, अंग्रेजी में वैसे मेरा हाथ पतला ही है, सब लोगों को पता है, तो मुझे आप पास कर दो, मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे करके मैंने बोला गुरुजी को। थोड़ी देर देखा मेरे को, उसकी कॉपी देखी, मेरी कॉपी एकदम सफा सट एकदम थी, गांधी जी की याद आ रही थी उनको। उन्होंने मुझे क्या किया कि बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। अगले दिन जब मेरे इंटरनल के रिजल्ट आए तो उसमें मैं पास था इंग्लिश में। मैंने कहा यार नहीं यार, काजला सर ने मेरी बड़ी हेल्प की है, मेरे को उनके पास जाना चाहिए। तो मैं राजेश काजला सर के पास गया और मैंने काजला सर को बोला कि सर धन्यवाद, उन्होंने मुझे एक बात बोली उस टाइम पे। सो उन्होंने जो कहा वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो मुझे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बेटा बड़ा होके ध्यान रखना कि राजेश काजला ने तुझे पास करके गलती नहीं की, ये तुझे साबित करना है। दोबारा सुनना, जो आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, बड़े होके ध्यान रखना, राजेश काजला ने तुझे पास करके गलती नहीं की, ये तुझे साबित करना है। तो मैं छोटा सा था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे ना दोबारा पूछा। उन्होंने एक लाइन बोली और वो लाइन क्या थी पता है, उन्होंने कहा बेटा याद रखना, कुछ लोग इतिहास रटने आते हैं स्कूल में और कुछ लोग इतिहास रचने आते हैं, तू क्या करना चाहता है तू सोच ले, तू इतिहास रटना चाहता है या इतिहास रचना चाहता है। अब तो समझ गया होगा। सो मैंने तब ठान लिया था कि मैं मेरे सर को कभी ना मतलब ये फील नहीं होने दूंगा कि उन्होंने मुझे इंग्लिश में पास करके गलती की। एट स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ, सेवन स्टैंडर्ड में फेल होने वाला, फेल होते बचने वाले बच्चे ने एट स्टैंडर्ड में इंग्लिश में आउट ऑफ 192 मार्क्स लेके आया था मैं, एट स्टैंडर्ड में आउट ऑफ 192। और काजला सर ने मेरे पीठ थपथपाई थी एट स्टैंडर्ड में, एट स्टैंडर्ड में मैं पूरे शहर में सेकंड टॉपर था। तो ये मेरी कहानी है और आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ। यूट्यूब पे 2500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, एक ऐसा चैनल मैंने खड़ा किया जहाँ पर 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, और अपने आप में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं उस सिचुएशन में पहुंच चुका हूँ शायद मेरी फैमिली में इतनी ऊपर तक कोई नहीं आया। और ये मैं हूँ अरविंद अरोड़ा, और काजला सर आज मैं आप लोगों को तहे दिल से, जितने भी गुरु जी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं हाथ जोड़ के, मेरे पे इतना बिलीव किया, मैं हाथ जोड़ के उनको शत शत नमन करता हूँ। वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलते हैं अगली वीडियो में।